कि समानुपाती मतलब क्या होता है, समानुपाती मतलब क्या होता है, इसको हम लोग अनुकर्मानुपाती भी बोलते हैं, इसको हम लोग अनुकर्मानुपाती भी बोलते हैं। अरे समझ रहे हो बात को, आज हम लोग समानुपाती मतलब समझते हैं। अरे समानुपाती मतलब होता क्या जानते हो, समानुपाती मतलब दो वस्तु में अगर एक वस्तु बढ़ रहा है, एक वस्तु बढ़ रहा है रे बाबू, एक वस्तु बढ़ रहा है उसके कारण दूसरा वस्तु भी बढ़ा, या एक वस्तु घट रहा है उसके कारण दूसरा भी वस्तु घटेगा, तो वहां कौन सा संबंध चल रहा है, समानुपाती। समानुपाती मतलब समान अनुपात, समान अनुपात मतलब ओकर में जो होता वह एकर में होता, ओकर में जो होता वह एकर में होता, वो बढ़ला यो बढ़ता, वो घटला यो घटता, वो गढ़म गला वो गढ़म जीता, वो चौक गला यो चौक गला, वो चल गला वो चल जीता, ओकर घर टेकला एकरो घर टेकला, ये हाथ अगर टूट गला ओकरो हाथ टूट जा, गोड़ टूट गला इसी से चल, तो एकरो गोड़ ई गोड़ा ना ये है गोड़ा, ये है गोड़ा है ना, वो नाच लो मैया हे मैया तब वो मैया है, मतलब जे वो करता वो कर, ओकरा चोट लगला तेकरो चोट लग। समानुपाती मतलब क्या सुने, सुनो समानुपाती मतलब दो बात, अगर दो बात, दो वस्तु दो रिजल्ट, दो बात हो रहा है, और अगर एक बात में एक वस्तु में वृद्धि हो रहा है ओकर कारण दूसर काम भी अगर वृद्धि हो, एक में अगर कमी हो रहा है दूसर काम भी कमी होगा, उसी को समानुपाती बोलते, उसी को समानुपाती बोलते। सुने जी, अगर एक बढ़ रहा दूसर का भी बढ़ रहा, एक घट रहा दूसर को भी घट रहा, एक के कुछ महसूस हो रहा है दूसर को कुछ महसूस हो, एगो नहीं खा रहा दूसर कौन खा रहा, कि जब तक नहीं तब तक हम भी नहीं, एगो सहले हो दूसर को सहले हो। देखिए उदाहरण, एकदम सिंपल सिंपल उदाहरण बताते, अगर आप पढ़ के आओगे, अगर आप पढ़ के आओगे तो मार खाने का चांस ज्यादा है कि कम है, कम। अरे आप जितना पढ़ोगे आपका एग्जाम में उतना नंबर आएगा, आप जितना कम पढ़ोगे एग्जाम में उतना कम नंबर आएगा, ज्यादा पढ़ा ज्यादा नंबर, कम पढ़ा कम नंबर। तो ये पढ़ाई यानी मेहनत और नंबर के बीच में कैसा संबंध है, समान। नहीं सुने जी, नहीं सुने, जितना पैसा कमाओगे उतना बड़ा आदमी बनोगे, अमीर आदमी बनोगे, जितना पैसा कम कमाओगे उतना गरीब बनोगे, पैसा लेबर मजदूरी बालू ढोना होगा चल ढोया ना, इसका मतलब कैसा संबंध होगा, समान। सुने जी, जितना क्रीम उरीम लगाओगे उतना चमकोगे, जितना कम क्रीम लगाओगे उतना कम चमकोगे, इसका मतलब वहां कैसा संबंध होगा, एक समानुपाती में बाबू, अगर एक बढ़ा तो दूसर का भी बढ़ेगा, एक घटा दूसर का भी घटेगा, संवेग, संवेग में समानुपाती संबंध है। अगर द्रव्यमान बढ़ा संवेग भी बढ़ा, द्रव्यमान घटा संवेग भी घटा, समानुपाती। अगर वेग बढ़ा संवेग बढ़ा, वेग घटा संवेग घटा, समानुपाती। सुने जी, गाड़ी जितना जल्दी चलाओगे उतना जल्दी पहुंचोगे, समानुपाती। गाड़ी कितने का धीरे धीरे चलाओगे धीरे धीरे पहुंचोगे, समानुपाती। सुन रहे हैं जी, समझ रहे बात को, ज्यादा अगर डेली क्लास आइएगा डेली समझिएगा समानुपाती, कम क्लास आइएगा कम समझिएगा समानुपाती। सुने, समानुपाती का मतलब जब एक वस्तु में वृद्धि हुआ तो दूसरों में भी वृद्धि होना चाहिए, एक में कमी हुआ दूसरा में भी कमी होना चाहिए, हमेशा उसको क्या बोलते हैं, समानुपाती। और कभी भी समानुपाती का कहीं बात हुआ तो इसका मतलब यही समझना है कि ये गो बढ़ेगा तो दूसर का भी बढ़ेगा, और ये गो घटेगा दूसर का भी घटेगा। समानुपाती को हमेशा ये चिन्ह से दर्शाते बाबू, ये चिन्ह से, ये चिन्ह से, ये चिन्ह से, ये चिन्ह से, आठ लिखते ना ऐसे, ये आठ को ये काट देना, बीच बीच में काट देना, ये आठ को काट देना, आठ लिखते ना ऐसे, ये मिटा देना, इस तरह डिनोट कर समानुपाती। सुने जी, मान लो कि एक समानुपाती ऐसे लिख दिया कहीं, इस तरह कहीं लिखा है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, समानुपाती। इसको पढ़ेंगे x समानुपाती y। बोले कर मतलब क्या हुआ सर, एकर मतलब ये हुआ कि अगर ये बढ़े भी तो यो हो बढ़ता, ये घटे भी तो यो हो घटता। सुना जी, तो संवेग का भी हम लोग संवेग पढ़े, ताजा ताजा संवेग पढ़े। इसमें आपको पूछेगा कि P और M
के बीच में ऐसा लिख दिया, बोल सही लिखा कि गलत लिखा? सही लिखा, क्योंकि द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो संवेग बढ़ेगा, द्रव्यमान घटाएंगे तो संवेग घटेगा। कहीं लिख दिया पी, अरे ऐसे लिख दिया ऐसे, बोली सही है कि गलत है? अरे सही लिखा। भी बढ़ाएंगे तो पी भी बढ़ेगा, पी बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा, भी घटाएंगे तो पी घटेगा। सुने जी, तो कोई भी सूत्र में अगर एक बढ़ने से दूसरा बढ़ता है तो वहां हमेशा कौन सा संबंध होगा? समान। दूसरा बात बाबू, कोई भी सूत्र में अगर अंश में लिखल रहेगा, अंश में अगर कोई भी सूत्र है उसके अंश में कुछ भी लिखल रहेगा, कुछ भी, अंश वाला हमेशा कैसा संबंध बनाता है? समानुपाती। अंश वाला हमेशा कैसा संबंध बनाता है? समानुपाती। और हर वाला कैसा संबंध बनाता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो केवल अभी समानुपाती का याद रखिए कि कभी भी कुछ भी लिखा रहे बाबू, ऐसे लिखा रहे, ऐसे लिखा रहे, ऐसा लिखा रहे, एक से एक करके लिखा रहे, एक और इधर लिखा रहे, कुछ लिखा रहे ए और बी। तुमको बोला एक्स किसके साथ समानुपाती है? ए के साथ, ए के साथ। एक्स किसके साथ समानुपाती बना रहा है? ए के साथ, ए के साथ। बोल कैसे सर? बोल कैसे, ए का मान बढ़ाएगा ने तो एक्स का भी मान बढ़ते चला जाएगा, एक्स का मान, ए का मान बढ़ाएगा तो एक्स का भी मान क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। बोल कुछ खास तो समझ में नहीं आया, थोड़ा और समझाइए। देखिए मान लो x बराबर 2/3 है, 2/3 है, x 2 का समानुपाती है, 2 का ऊपर वाला का समानुपाती है, ऊपर वाला का, ऊपर वाला का अगर तुम मान बढ़ाया, ऊपर वाला का मान बढ़ाया ने तो एकर मान बढ़ते चला जाएगा। मान लो ऊपर में हम 3 रखे तो 3/3 x का मान कितना आ गया? अब 4 रखे, 4/3 x से बढ़ाएगा कि नहीं? अगर हम 6 रखे 2 आया कि नहीं? 9 रखे 3 आया कि नहीं? 12 रखे 4 आया कि नहीं? 15 रखे 5 आया कि नहीं? ऊपर ला बढ़ा रहे तो एक्स का मान बढ़ रहा है। कोई भी सूत्र हो, कोई भी कहीं भी कुछ भी फॉर्मूला मिले, कोई भी राशि मिले, भौतिक राशि, उसका सूत्र में जो अंश में रहेगा ऊपर में रहेगा, हमेशा वो राशि उसका क्या होगा? समानुपाती। क्योंकि ऊपर वाला को बढ़ाते हैं तो उसका मान हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। घटाओगे तो घटेगा। जैसे एक बार तू 6 रखा तो 6 रखा था 2 आया, 5 रखो 5 2 से कम नहीं आएगा, 3 रखो 3 1 आ गया, 2 रखो 1 से छोटा आ गया। घटा रहे तो वैल्यू क्या होते जा रहा है? घटते चला जा रहा है। बढ़ा रहे तो वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। मतलब कोई भी संख्या अपना अंश का क्या होता है? समानुपाती। कोई भी सूत्र अपना अंश का क्या होता है? समानुपाती। बोल सर जेकर में अंश नहीं रहेगा से तो ओकर में वो कभी भी समानुपाती वाला वहां बात नहीं होगा। बल कोई सूत्र में सर हरे न खाली अंश है तो केवल अंश है तो वहां हर बात में कैसा संबंध होगा? समानुपाती। हर बात में कैसा संबंध होगा? समानुपाती। जैसे संवेग वाला में हर है ये न है, हर है कुछ न है तो एक हर बात में समानुपाती संबंध होगा। पी एम का भी समानुपाती होगा, पी भी के भी समानुपाती होगा। और मान लो कोई सूत्र है एक्स बराबर ऊपर कुछ न है, ऊपर कुछ न है तो ये यहाँ कभी भी समानुपाती का बात नहीं होगा, यहाँ हमेशा किसका बात होगा? व्युत्क्रमानुपाती का। सुने जी, तो जिसका अंश में कुछ नहीं वहां समानुपाती का बात नहीं होता है, जिसका अंश में कुछ भी रहे, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, वो अंश का हमेशा क्या होता है? समानुपाती। क्योंकि अंश को बढ़ाओगे उसका उत्तर भी बढ़ेगा, अंश को घटाओगे उसका उत्तर भी घटेगा। समानुपाती का मतलब एक बढ़ा एक बढ़ेगा, दूसरा बढ़ा ये भी बढ़ेगा, वो घटा ये भी घटेगा, एक बढ़ा इधर बढ़ा तो इधर भी बढ़ेगा, इधर घटा तो इधर भी घटेगा। वैसा संबंध कोई हम लोग क्या बोलते हैं? समानुपाती। समानुपाती को हम लोग किससे दर्शाते हैं? ये चिन्ह से। अब ये चिन्ह को मान लो हटाना है, ये चिन्ह को हटाना है तो कैसे हटाते हैं? मान लो कि ठीक है x बढ़ा y भी बढ़ा, x घटा y भी घटा, तो बोली समानुपाती है। समानुपाती का चिन्ह ये है, ये चिन्ह है, इसका सिंबल है। ठीक, बोल सर हम इसको हमेशा इसी तरह लिखेंगे?
कि कुछ यहाँ करेंगे। मान लो तुमको यहाँ मन कर रहा है बराबर लाने का, बोल हमारा मन कर रहा है, तब क्या करेंगे? बराबर ला सकते हो, आराम से ला सकते हो। बस इसके बदले आपको यहाँ कोई एक कोई चर लिखना होगा, संकेतिक में लिखना होगा, कोई संकेत में लिखना होगा। वह संकेत ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कभी भी अगर आपको समानुपाती को हटाना है बाबू, मान लो कि सर आप यहाँ बराबर लाना चाह रहे, एक हटाने का मन कर रहा है, मतलब बराबर लाना, हटा दूं बाबू, कोई थोड़ी रोका, बस एकर बदले तू खाली कुछ लिख दो, कोई इससे संकेतिक में कोई लेटर लिख दो, स्मॉल लेटर ये लिख दो, ये अगर पहले से है तो आर लिखो, के लिखो, टी लिखो, कुछ दूसरा चीज लिखो, लेकिन वो स्मॉल में लिख देना, और उसके नीचे लिख देना कि जिसको हम माने हैं वो किसका बदले माने हैं, समानुपाती के बदले माने हैं। ये कैसा चर का काम कर रहा है? समानुपातिक चर का काम कर रहा है। तो खाली नीचे लिख देना के बराबर समानुपातिक चर, क्या लिख देना? समानुपाती चर। यानी पहले ही दोनों समानुपाती था, उसको हटा करके वहां बराबर चिन्ह ला करके हम लोग कौन सा है उसके बदले क्या लिखे, एगो संकेत में लिखे, और वही संकेत क्या चीज को बता रहा है? समानुपाती चर का। सुनिए जी, इसको पढ़ते कैसे से देखो, पढ़ते हैं एक्स समानुपाती वाई। अगर ये और बी बोला कहीं कि ये बढ़ा बी भी बढ़ा, ये घटा बी भी घटा, तो दोनों आपस में क्या है? समानुपाती। बोल लिख के बता। तो ये भी लिखेंगे और दोनों के बीच में ये चिन्हवा लगा देंगे, समानुपाती को हटाने के लिए, हम लोग एक चर का प्रयोग करते हैं, जैसे मान लो इसको हटाने का मन कर रहा है, हटा दीजिए, इसके जगह पर एक चर का प्रयोग कीजिए और नीचे लिख दीजिए जहां के जो है से कैसा चर है? समानुपातिक चर। अरे बात समझ रहे हो? मान लो P बराबर लिखा हुआ है ए बटा बी, और पी किसका समानुपाती होगा? ए का। मतलब P बढ़ा तो ए बढ़ेगा, ए घटा तो P घटेगा, ए बढ़ा तो P घटेगा। दूसरा उदाहरण, कहीं लिखा हुआ P बराबर एक्स बटा वाई, तो P किसका समानुपाती होगा? X का। और अभी तीसरा फॉर्मूला ताजा पढ़े हो, P बराबर M गुना V, तो P M का भी समानुपाती और P V का भी समानुपाती। बोलो कि नहीं, कोई तकलीफ? इसी के साथ समानुपाती का कॉन्सेप्ट हो गया समाप्त। जय हिंद, जय भारत।